हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस। आप सभी का लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, उसी को कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम न्यू बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, इनका कंपेरिजन करेंगे और वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या आते हैं और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। ठीक है, सो टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस एज वेल एज आई वुड लाइक टू मेक ए कंपेरिजन स्टडी और कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन द ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज न्यू बायोटेक्नोलॉजी। आज के इस लेक्चर में आज हमें देखेंगे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या है। जैसा कि इसके पहले लेक्चर में ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात किया हूँ, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया है, एज वेल एज सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बट टूडे I would like to discuss some other terms that comes under the heading of old biotechnology as well as in the modern biotechnology. So, old biotechnology क्या है? Traditional का मतलब होता है परंपरागत, जो सदियों से आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं, old biotechnology means that we are going to study the natural capabilities of the microorganism विदाउट अल्टरिंग द जीनोम ऑफ एनी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वो बैक्टीरिया है मान लीजिए, बिना उसके जीनोम में चेंज किए, बिना उसके जेनेटिक जो मटेरियल है उसमें छेड़छाड़ किए, बिना उसके बदलाव किए, उसकी नेचुरल कैपेबिलिटीज के आधार पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, उसी की स्टडी को कहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जैसे फर्मेंटेशन बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्मेंटेशन का प्रोसेस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट, इसको हम कर्ड कहते हैं, दही, एंड कीज फ्रॉम मिल्क, दूध से पनीर का बनना ये कोई नई बात नहीं है। दूध से पनीर का बनना इस सदियों से बन रहा है। इट इज नॉट ए न्यू एस्पेक्ट, फ्रॉम द बिफोर सेंचुरी, शताब्दी पहले से बन रहा है। विनेजर आप जान ही रहे हैं, विनेजर क्या है, उसको कहते हैं मदिरा। सिरका समझ लीजिए, गन्ने फ्रॉम मोलेसेस, मोलेसेस मतलब क्या होता है, गन्ने का रस। गन्ने के रस से आप कुछ सिरका बनाते हैं, इसके अलावा गन्ने के रस से आप मदिरा भी बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय सर्टेन फंजाई लाइक पेनिसिलिन। आज के डेट में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टुडे इन द मॉडर्न टाइम, ऑल्दो ड्यू टू द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ द फंजाई विदाउट एनी अल्टरिंग द जीनोम ऑफ द फंजाई वी आर गेटिंग द पेनिसिलिन। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय सर्टेन फंजाई लाइक द पेनिसिलिन दैट आल्सो कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ बेकिंग, बेकिंग माने होता है ब्रेड, ब्रीकिंग माने होता है पेय मदिरा, बेकिंग माने होता है ब्रेड। आज के डेट में जितनी भी ब्रेड इंडस्ट्री है, जब ब्रीविंग इंडस्ट्री है, मदिरा उद्योग है, बेकिंग एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री बहुत जरूर पर है। आप देख रहे हैं ब्रेड, मदिरा, वाइन, शराब, ये सारे जो भी उद्योग हैं आज के डेट में, जैसे बेकिंग इंडस्ट्री है, ब्रीविंग इंडस्ट्री है, ये सब बहुत तेजी से डेवलप कर रही है। क्या आज से नहीं, इसका डेवलपमेंट है। ब्रेड सदियों से मिल रहा है और पहले से मिल रहा है, तो ये सारे इसमें आते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। So we have to be discuss about the some important points that comes under the heading of old biotechnology, in which number one is the fermentation by some microorganism, formation of yogurt that is the curd and cheese from the milk, and number third vinegar from molasses। vinegar का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि होता है, इसका मतलब होता है सिरका, molasses का मतलब होता है गन्ने का रस।
ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक और सर्विंग फंजाई एंड लाइक पेनिसिलिन, और उसके साथ बेकिंग एंड ब्रेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग में ब्रेड उद्योग, ब्रेकिंग में मदिरा उद्योग, ये सारे किस्में आती हैं दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, सब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, सबसे बात पहली बात तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या न्यू बायोटेक्नोलॉजी डेवलप, इसकी शुरुआत हुई 1970 से, 1970 से इसकी बिगनिंग हुई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की या न्यू बायोटेक्नोलॉजी की। इट वॉज डेवलप और विकसित होना, इसका विकास यानी ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है दैट टू बी डेवलप्ड इन 1970, कब, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की खोज हुई, व्हेन हाइली हाइली में कुछ किया जाता है, न्यू माने नए नए, यूजफुल माने लाभदायक, ट्रेट्स माने लक्षण, जब एकदम बहुत ज्यादा नए नए और लाभदायक जो लक्षण होती है इन क्रॉप वैराइटीज, क्रॉप वैराइटीज का मतलब होता है फसल की जो डिफरेंट वैराइटीज होती हैं, एंड एनिमल ब्रीड्स, एनिमल माने होता है जंतु, ब्रीड्स माने प्रजनन करना, जब एनिमल्स में ब्रीडिंग होगी तो ब्रीडिंग द प्रोसेस जो कहते हैं प्रजनन करना, इस तरह से ये सब आ जाते हैं, क्रिएट माने उत्पन्न कर देते हैं, सब किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिकी तकनीकी के द्वारा, उसको कहा जाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट टुडे हाईली न्यू यूजफुल ट्रेट्स, आज नए नए लाभदायक और उच्च क्वालिटी के जो ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स माने लक्षण है, जैसे हाइब्रिड क्रॉप्स आ रही है, आप जानते हैं मार्केट में हाइब्रिड क्रॉप्स क्या होते हैं, दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंस, दे आर कोल्ड रेजिस्टेंस, दे आर डिजीज रेजिस्टेंस, तो हाइब्रिड होने से बहुत लाभ है, ना तो फिर ठंडी का असर पड़ रहा है, ना तो उसमें बीमारी का असर पड़ रहा है, इसीलिए हाइब्रिड क्रॉप्स आ रही है, दैट इज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, हाईली न्यू एंड यूजफुल ट्रेट्स इन क्रॉप वैराइटीज एंड एनिमल ब्रीड्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, इज कॉल्ड ए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहर, फर्टिलाइजर माने निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग माने संबंधित होना, उधर टेस्ट ट्यूब बेबी, आप टेस्ट ट्यूब बेबी का देख रहे हैं आप, इन विट्रो फर्टिलाइजर है, इस पर गौरगा को ले जाते हैं लैब में, ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है डेवलपमेंट कराते हैं, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड लीडिंग टू द टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किससे संबंधित होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसने तो क्या किया, इसने रिवोल्यूशन ला दिया, क्रांति ला दी है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब याद रखिए कि रिवोल्यूशन सब याद रखिएगा, रिवोल्यूशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसने क्या किया, पूरी बायोटेक्नोलॉजी में क्रांति ला दिया, दैट इज द रिवोल्यूशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द प्रोसेस व्हिच we are getting the recombinant DNA, we are going to be inserting the foreign DNA with the help of the plasmid that is the cloning vector and insert it to the bacterial cell for getting more and more copies of the superior quality of DNA, that is known as recombinant DNA, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। PCR and microarray, PCR क्या है, इसके द्वारा multiple copies of DNA प्राप्त करते हैं। PCR अभी कोरोना काल में एंटीबॉडीज, कोरोना काल में PCR की उपयोगिता बहुत बढ़ गई थी, इसलिए पड़ गई थी तो किसके द्वारा हम जो डीएनए के सेगमेंट से जो डीएनए की कॉपीज को मल्टीपल कॉपीज को उस समय में प्राप्त कर सकते हैं। माइक्रोएरे क्या है, एक चिप है, इट इज वर्किंग एज चिप, एक चिप का काम करती है जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को ऑब्जर्व करती है, ठीक है, सेल कल्चर करना, सेल का फ्यूजन करना एंड बायोप्रोसेसिंग जो प्रक्रिया है, इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ जीन यूजिंग डेवलपमेंट ऑफ डीएनए वैक्सीन आर करेक्टिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन, एग्जाम्पल दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये सारी चीजें आती है अंडर द हेडिंग ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज द ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज द कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी, एज वेल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। सो दिस इज द
the comparative study between the old biotechnology and modern biotechnology. I hope that you must be understand about the old biotechnology and modern biotechnology. इसके बाद हम बताएंगे क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, इनकी रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या है, एंड सो मेनी मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. सो दैट्स ऑल टुडे. आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अपनी इस चैनल अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, अपनी शुभकामना देते रहिएगा. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.